किसानों ने 29 नवंबर को दिल्ली में होने वाले ट्रैक्टर मार्च को स्थगित कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि पीएम को पत्र लिखकर हमने किसानों पर दर्ज मुकदमे रद्द करने, आंदोलन में शहीद किसानों को मुआवजा देने और एमएसपी पर गारंटी देने की मांग की। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा एमएसपी पर सरकार सीधे किसानों से बात करे, सरकार जितना जल्दी फैसला ले उतना अच्छा है, नहीं तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक बार फिर किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। नरेंद्र तोमर ने कहा कि कृषि कानून रद्द कर दिए गए हैं और अब किसानों को वापस लौटना चाहिए। पराली जलाने के मुकदमे हटाने की मांग को भी सरकार ने मान लिया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे पर पीएम मोदी ने आज हाई लेवल बैठक की। करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली और इसमें नए कोरोना वेरिएंट पर और वैक्सीनेशन पर चर्चा की गई। इस दौरान कैबिनेट सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और नीति आयोग के अधिकारी मौजूद थे। हाई लेवल बैठक में पीएम मोदी ने अधिकारियों को दवाइयों के स्टॉक और चिकित्सा बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके अलावा ऑक्सीजन और वेंटिलेटर को लेकर राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए भी कहा गया। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से नए वेरिएंट से प्रभावित देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक की अपील की है। केजरीवाल ने कहा कि उन देशों की उड़ानें बंद करनी चाहिए जो कोरोना के नए वेरिएंट से प्रभावित हैं। विश्व व्यापार संगठन ने कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आने के बाद अपनी अहम बैठक टाल दी है। ये बैठक 30 नवंबर को जिनेवा में होने वाली थी। आपको बता दें, मंत्री स्तरीय इस बैठक को दूसरी बार स्थगित किया गया है। यूपी में सीएम योगी के ताबड़तोड़ दौरे जारी हैं। योगी ने आज गोंडा में इथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया और जौनपुर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने युवाओं को तबाह किया, हमारी सरकार में यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज जौनपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल हुए। राजनाथ सिंह ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि हम किसी को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन किसी ने छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। यूपी के हरदोई में आज अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान एसपी सुप्रीमो ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस भीड़ में लाल और पीला दो अलग अलग रंग दिख रहे हैं, लेकिन ये रंग देख दिल्ली वाले लाल पीले हो रहे हैं। इस बार के चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज महोबा में प्रतिज्ञा रैली के जरिए चुनावी बिगुल फूंका। इस दौरान प्रियंका ने यूपी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में रोजगार नहीं, युवा सड़कों पर भटक रहे हैं। बांदा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अमन त्रिपाठी के परिवार से मुलाकात की। अमन त्रिपाठी की हत्या कर दी गई थी। न्याय के लिए